सिरसा जिला के चोपटा क्षेत्र के गांव शाहपुरिया में एक नया मामला सामने आया है। गांव शाहपुरिया के सरकारी स्कूल की 10वीं कक्षा के 2 विद्यार्थियों का प्रोजेक्ट में नंबर के चलते विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मामला परिवार तक आ गया। एक विद्यार्थी ने अपने पिता व गांव के कुछ युवकों सहित दूसरे विद्यार्थी अमनदीप को खेलने के बहाने से घर से ले गए और उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद अमनदीप के पिता वहां पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की और स्कूल से नाम कटवा दिया। परिवार की महिलाओं को भी धमकियां मिलने लगी, जिसके बाद परिवार कुछ दिन पहले उपायुक्त से मिलने व बीते दिन पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर परिवार की सुरक्षा व विद्यार्थी की परीक्षा को लेकर प्रोटेक्शन देने की मांग की है। जी 2 महीने पहले कुछ बच्चों की आपस में खासुन हुई थी, कोई नंबर की वजह से कोई नंबर कम लगा दिए थे, कैसे कोई मामला हुआ था। इसमें दूसरा परिवार है जाट समुदाय से और हम वाल्मीकि समाज से हैं जी। तो बच्चे के साथ ना उन्होंने एक नंबर का कोई दिक्कत थी और मैडम से बोला गया कि ये दोबारा से चेक करें, फिर बच्चे के नंबर ठीक कर दिए जी। इसके बाद ना जो जाट समुदाय से जो बच्चे थे वो कहने लगे भी इसके नंबर हमसे ज़्यादा कैसे हो सकते हैं। उसके थोड़े दिन बाद एक प्रोजेक्ट बनवाया गया था। इस प्रोजेक्ट में मेरा भतीजा अमन जो 10वीं कक्षा में पढ़ता है उसका वो सेकंड आया जी, तो उसको सम्मानित किया गया था जी। तो उसकी वजह से वो और उसे जलन हो गई उनकी भी, ये एक नीचे समाज से ये लड़का ये अमन से आगे कैसे निकल गया जी। उसकी कारण उसने वो बात सारी अपने घर पर जाके बताई और उनके घर से जो उसके बच्चे का लड़के का जो पिता है अंकल है एक गांव से और लड़का जी सोनू और एक और उनका दोस्त है वो सभी इनको सुबह सुबह घर से इसको लेके गए जी बुला के कि हम खेलने चलते हैं। जो लड़का इसके साथ पढ़ता है बिल्कुल उसको ले गया चढ़ा के खेतों में और इसको पिटा जी। थोड़ी देर में मेरा इसके अमन का जो पिता है उसको भी ले गए और उसको भी पिटा जी। ऐसे करके फिर ये मामला गांव वालों ने जाके सब ने इकट्ठे होके और स्कूल में जाके इस बच्चे का नाम भी कटवा दिया कि भई ये बच्चा तो गलत है, ऐसे ऐसे है, इसका नाम काटो। और स्कूल में जो प्रिंसिपल सर है और डीपी सर है उन्होंने गांव वालों के साथ मिलके और बच्चे का नाम काट दिया कि इस बच्चे को स्कूल से निकालो और इसके एग्ज़ाम भी नहीं होने देंगे। हमने प्रिंसिपल सर और डीपी सर से गुजारिश की भी बच्चे का एडमिट कार्ड दे दिया जाए, उन्होंने कहा कि हम नहीं दे सकते, गांव वालों ने आके नाम कटवाए, हम इसको एडमिट कार्ड नहीं दे सकते। इसके बाद हमने गांव में पंचायत की सभी के पास गए हाथा जोड़ी की 25 दिन तक हमने खूब जितनी हो सकी, लेकिन उन्होंने कुछ किसी की नहीं मानी। वो कह रहे कि ऊपर से टीम आके और बच्चे का नाम कट गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। और गांव वाले अगर जिनके साथ इसका झगड़ा हुआ था अगर उनके पैर पकड़ के आप उनको बुला के लाते हो वो बोलते हैं तो ही इसका एडमिट कार्ड हम दे सकते हैं जी। फिर हमने 25 दिन के बाद एक केस दर्ज कर दिया जी। इसके बाद डीसी साहब के ऑर्डर से बच्चे का एडमिट कार्ड अब मिल गया हमें और अब गांव वाले वही कह रहे हैं जी जो जिन्होंने मारपीट की है वो कह रहे हैं अब एडमिट कार्ड तो मिल गया लेकिन है फिर भी हम इसका एग्ज़ाम नहीं होने देंगे। प्रिंसिपल सर का नाम है जी बलजीत और एक डीपी सर है बलवंत सर, उनसे मैं खुद गया जी बात करने के लिए। मैंने डीपी सर से बात की कि सर देखो अगर बच्चे ने हम पता नहीं गलती की है कि नहीं की है, भी आपने बच्चे को पीट दिया, गांव वालों ने पीट दिया, भी हो सकता है बच्चे ने गलती कर दी हो लेकिन इसकी ये सज़ा तो ना दो ना भी बच्चे को एग्ज़ाम ही ना दे पाए। वो कह रहे नहीं जी अब तो इसकी यही सज़ा होगी, भी गाँव वाले भी कह रहे हैं इस बच्चे का तो एक साल ख़राब ही करेंगे, भी इसका एग्ज़ाम तब हो सकता है या तो उनसे आप हाथ जोड़ करके हाथ पैर जोड़ के उनको लेके आओ गांव वालों को, अगर वो बोलते हैं तो ही हम इसको एडमिट कार्ड दे सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसी साहब ने के पास आने के बाद हमें कुछ आस हुई है और उसके बाद हमें इसका बच्चे का एडमिट कार्ड मिल गया और उन्होंने हमें अभी आश्वासन दिया है कि पुलिस प्रोटेक्शन में इस बच्चे का एग्ज़ाम होएगा जी। और अगर कोई भी गाँव वाला अगर कोई दिक्कत करता है जैसे जिन लोगों ने ये इसके साथ मारपीट की थी अगर जिन्होंने कुछ बोला है तो उसके
खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनके द्वारा अभी भी परेशान किया जा रहा है? अभी भी परेशान किया जा रहा है जी, आज कल शाम को और आज सुबह भी परेशान किया गया है। वो गाली गलौज कर रहे हैं, अभी ऐसी ऐसी भाई कह रहे हैं कि चूड़ा इधर आओ, ऐसे करो, हम इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, इसका एग्जाम हम नहीं होने देंगे, अभी आगे कैसे बढ़ सकता है। ये आपने डीसी साहब से ऑर्डर तो ले लिया, लेकिन फिर भी हमें बाहर तो जाएगा एग्जाम देने के लिए, हम इसका एग्जाम होने ही नहीं देंगे। अब मांग क्या करेंगे? अब तो हमारी ये मांग है कि पुलिस प्रशासन से या डीसी साहब से भी बच्चे के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए, ताकि इस बच्चे का एग्जाम हो जाए और हमारे पूरे परिवार की सुरक्षा की जाए, क्योंकि वो धमकी दे रहे हैं अभी आपको गांव से निकाल देंगे। ये कोई बात नहीं है जी, बच्चे ने प्रैक्टिकल दिए हैं, रोल नंबर लेके गया है और अब जो है वो पेपर दे रहा है, आज कोई दिक्कत नहीं है जी हमारे पास, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बच्चे मतलब बिल्कुल सही तरीके से अपना पेपर दे रहा है, कोई समस्या नहीं। इसमें हमारे को एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी जी, उस पर हमने इस मुकदमा दर्ज किया था, तो उसके बाद में से हम गांव के जो लोग हैं उनकी कमेटी गठित की है और लगातार हम उन्हीं के संपर्क में हैं, तो गांव में ऐसा कोई विवाद नहीं है।